एक वेबसाइट बिजनेस के लिए तो ज़रूरी है, अगर आपने SEO करनी है तो उसके लिए भी वेबसाइट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वेबसाइट के बगैर SEO हो ही नहीं सकती। गूगल ने आपकी वेबसाइट ही क्रॉल करनी है, यानी कि उसने आपकी वेबसाइट को ही देखना है और इंडेक्स करना है। अगर आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप SEO कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने गूगल में रैंक करना है या गूगल आप चाहते हैं कि लोग आपको गूगल से ढूंढ लें, तो आपको वेबसाइट तो बनानी ही है। लेकिन वेबसाइट में होता क्या है और ये किस तरह से चलती है, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वेबसाइट में दो मेन चीज़ें होती हैं, एक तो डोमेन जो आपका नाम होता है, ये वो डोमेन जो आप URL में लिखते हैं, और फिर एक होस्टिंग जहाँ पर ये सारी वेबसाइट का डेटा पड़ा हुआ होता है। वो डेटा इमेजेस भी होते हैं, आपका टेक्स्ट भी होता है, और इसके अलावा भी जो चीज़ें आपने जिसकी बेस पे वेबसाइट चल रही होती है वो सब चीज़ें एक जगह पे होस्टेड होती हैं, जिसको हम वेब होस्टिंग भी बोलते हैं। सो गोया एक वेबसाइट चलाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग दोनों ही चाहिए होती हैं। लेकिन पहले बात करते हैं डोमेन्स की। सो डोमेन्स क्या है? तो डोमेन्स बेसिकली एक एड्रेस की तरह काम करता है। तो फॉर एग्जांपल, आप जिस घर में रहते हैं उसका एक एड्रेस है, आपको दुनिया से कोई भी खत लिखे तो आप उस एड्रेस तक पहुंच सकता है, क्योंकि आपके मोहल्ले में वो आपका एड्रेस यूनिक है, आपका मोहल्ला यूनिक है, उसके ऊपर आप सिटी यूनिक में रहते हैं। सो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपका एड्रेस किसी और का भी एड्रेस हो, ये हो कि कोई आपको लेटर भेजे तो कहीं और भी चला जाए। इसी तरह से जिस तरह से आपका एड्रेस यूनिक है, आपकी वेबसाइट का भी एक यूनिक एड्रेस होता है। तो आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो वेबसाइट खुल भी जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने google.com खोली हो और कोई और वेबसाइट खुल गई हो? नहीं। अगर कि आपका एड्रेस ठीक है या आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं की है, तो अगर आप google.com खोलेंगे तो google.com ही खुलेगी, ना कि bing.com खुल जाए। और यही होता है जब आप कोई और वेबसाइट खोलते हैं। सो इसे हमने अब देखना है कि SEO में इसका क्या ताल्लुक है और हम वेब डोमेन्स को किस तरह से देख सकते हैं। सो डोमेन बेसिकली एक इस तरह का नाम होता है, अगर आप कोई भी वेबसाइट लें या आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करें तो आपको इस तरह का कोई नाम नज़र आता है, इसको हम डोमेन नेम कहते हैं। इस डोमेन नेम में दो बड़े हिस्से हैं, एक टॉप लेवल डोमेन, यानी कि जो आखिरी पार्ट है .com, ये .com .net .pk या इस तरह के जितने भी एक्सटेंशन हैं डोमेन की, इन सबको हम टॉप लेवल डोमेन के नाम से जानते हैं। टॉप लेवल डोमेन का मतलब ये है कि आप किस कंट्री में या किस एक्सटेंशन की डोमेन लेना चाहते हैं। कुछ टॉप लेवल डोमेन्स जेनेरिक होती हैं, जिस तरह के .com .net और .org, ये ग्लोबल चलती हैं। ज़्यादातर NGOs जो हैं वो .org लेना पसंद करती हैं, ज़्यादातर इंटरनेट की कंपनियां .net लेना पसंद करती हैं, लेकिन अगर आप .com भी लें तो अभी कोई मसला नहीं है, क्योंकि .com सबसे ज़्यादा चलने वाली डोमेन है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप .pk डोमेन प्रेफर करेंगे, और गूगल भी आपको .pk डोमेन पे प्रेफरेंस देगा। सो ये वो एक्सटेंशंस हैं जो लोग डिसाइड करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने बिज़नेस के मुताबिक। सो अगर मेरा बिज़नेस पाकिस्तान में है तो मैं .com भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं .pk ले लूँ तो ज़्यादा रेलिवेंस बन सकती है। सो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो .com एक्सटेंशन है ये टॉप लेवल डोमेन कहलाती है, और इसके बाद जो आप नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने company.com या usman.com या virtualuniversity.com या आप किसी भी तरह का नाम रखेंगे तो ये आपका नाम कहलाता है। इसको टेक्निकल टर्म में सेकेंड लेवल डोमेन बोलते हैं, यानी कि SLD। सो SLD आपका नाम होता है, और जो TLD होता है वो बेसिकली आपकी एक्सटेंशन होती है, और ये दोनों मिलकर एक डोमेन बनाते हैं। लेकिन SEO के लिए हमें पूरा URL का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, और वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, क्योंकि इसके बगैर हमारी SEO भी थोड़ी सी डिपेंडेंट है इसके ऊपर, और हम SEO अच्छी नहीं कर सकेंगे अगर हम ये समझेंगे नहीं। सो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो HTTPS लिखा हुआ है, इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल से मुराद वो तमाम कवानीन, वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत पूरा इंटरनेट चलता है। ये प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं हो सकते। तो HTTP या HTTPS आपने जब भी वेबसाइट खोली होगी तो आपको ये प्रोटोकॉल ही नज़र आएगा, क्योंकि पूरा इंटरनेट इसी प्रोटोकॉल के तहत चलता है। सो ये HTTPS का मतलब ये है कि ये सिक्योर प्रोटोकॉल है, और HTTP का मतलब है कि वो अनसिक्योर है, यानी कि उस पर इंफॉर्मेशन सारी पब्लिक होती है। तो इसी तरह से जब आप क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कहीं लिखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको HTTPS मिलता है। उसके बाद आपको कंपनी नेम और मतलब आपका सेकेंड लेवल डोमेन और टॉप लेवल डोमेन, जो कि डोमेन नेम कहलाती है, मिलकर वो होता है, और उसके बाद स्लैश, और उसके बाद जो URL है, जो बाकी हिस्सा बच जाता है वो आपका परमालिंक कहलाता है। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम एक URL बोलते हैं, जो कि यूनिक रिसोर्स लोकेटर। यूनिक रिसोर्स लोकेटर का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी फाइलें वेब होस्टिंग पे होस्टेड हैं उन सब का एक एड्रेस है। सो आप जो भी फाइल अपलोड करेंगे वो आपकी डोमेन के अंडर, आपकी अगर फाइल इमेज है तो .jpg की फाइल, अगर आपका पेज है तो आगे परमालिंक उसका पेज का URL,
सो इस तरह से चेंज होता चला जाएगा, लेकिन हर चीज़ का इंटरनेट के ऊपर एक एड्रेस लाजमी है, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं से पिक होगी, और अगर एड्रेस नहीं पता होगा ब्राउज़र को तो वो उसको डाउनलोड नहीं कर सकेगा। तो ये था URL। अब URL के बाद हम बात करेंगे होस्टिंग की, जिसमें होस्टिंग की मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह से आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है उसी तरह से आपकी वेब होस्टिंग भी होती है। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स में या सर्वर्स पे पड़ी हुई हैं। सो आप बेसिकली क्या करते हैं, जब आप google.com खोलते हैं या कोई और वेबसाइट खोलते हैं, तो आप जब ब्राउज़र में उसका URL लिखते हैं तो वो वेबसाइट लोड हो जाती है। वो लोड होने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब आप google.com लिख के एंटर करें या उसको सेंड करें तो आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट जाती है उस सर्वर को, और वहाँ से आपकी वो वेबसाइट डाउनलोड हो जाती है। सो इंटरनेट में बेसिकली ये ट्रांजैक्शन होती है डेटा की, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे या एक मशीन से दूसरी मशीन पे। इसी तरह से आपकी जो मशीन है, ये जो मशीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, इसको टेक्निकल टर्म में हम सर्वर बोलते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जब कोई यूज़र कोई वेबसाइट विजिट करता है तो वो एक नेटवर्क के थ्रू एक सर्वर तक जाती है, और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन पिक होती है और वो आपको वापस इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे लोड कर देता है। सो ये सर्वर जो बेसिकली एग्जिस्ट करता है, इसको ही हम वेब होस्टिंग बोलते हैं। सो जब आप कोई डोमेन लिखेंगे तो बेसिकली वो रिक्वेस्ट डोमेन नेम सर्वर को जाएगी जहाँ से वो डोमेन रजिस्टर हुई है, और वो आपको आगे वो पॉइंट कर देगा उस होस्टिंग पे जहाँ पर आपकी फाइलें पड़ी हैं। सो गोया जब आप कोई वेबसाइट विजिट करेंगे तो उसी सर्वर से इन्फॉर्मेशन लोड होगी जिस सर्वर पे वो पॉइंट हुई हुई है, उसके अलावा कहीं और से लोड नहीं होगी। सो इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग मिलकर वेबसाइट चलाती हैं, और डोमेन आपका यूनिक होता है वो दुनिया में, अगर आपने एक डोमेन ले लिया तो वो दुनिया में कोई और नहीं ले सकता, तो वो आपका ही रहता है जब तक आप उसके पैसे देते रहें। उसके बाद जो होस्टिंग आप लेते हैं वो आप बड़ी या छोटी कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम इसकी मज़ीद बात करेंगे कि SEO से रिलेटेड हमें ये चीज़ें क्यों समझनी है, आगे हम उसको देखेंगे।